धनी वाले किस तरीके से हमें लूट रहे हैं। तो सर मतलब धनी वाले आपको लूट रहे हैं। तो मैम एक बात बता दीजिए मुझे, अगर मैंने 1,000 रुपए लिए, 1,000 के आप 50,000 बना दोगे ये बता दो। मैं तो सर आप प्रूफ दीजिए ना, आप बोल रहे हैं कि आपने जो पे किया है उस पे टैग, मतलब उस पे भी प्लेट चेंज लग रही है। हाँ तो मैम आपके लिए मैं आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है मैम। हाँ जी दीजिए, मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि अगर मैंने 10,000 रुपए आज से 10,000 रुपए लिए और मैंने आपके वापस भी कर दिए कि मैंने आपसे 10,000 लिए थे, आप 10,000 वापस ले दो, ठीक है। फिर ऐसा थोड़ी है कि 10,000 के मैंने वापस भी कर दिए और आप उस पर फिर कहोगे 50,000 और भरिए। सर आप मेरी भी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश, आप देख रहे हो मांदेले वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धनी एजेंट हमारे घर आते हैं तो 100 में से 99% नहीं आते हैं। धनी वाले क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ कंपनी होती हैं, गाड़ियों की कंपनी होती हैं, उनको पकड़ते हैं, फाइनेंस वालों को पकड़ते हैं। क्या करेंगे वो कि हम आपको इतना 15% या 25% देंगे, आप हमारा पैसा निकलवा दीजिए। तो जो हमारे जो पास के ही होते हैं वो आएंगे एजेंट बनकर आएंगे तो आपसे कहेंगे पैसा भरिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर धनी एजेंट नहीं आते हैं, जो आपके लोकल के होते हैं वही आते हैं धनी एजेंट बनकर। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, जो मुझे सागर से फ़ोन आया था, जो हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उधर से मुझे फ़ोन आया कि आप पैसे भरिए। तो मैंने उनसे कहा हम पैसे नहीं भरेंगे, आप हमारे घर आइए, हम तब पैसे भरेंगे। तो कहने लगे क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा ये दिक्कत है धनी एक प्रकार से हमें लूट रही है। तो वो कह रहे किस प्रकार, आपको मतलब क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा मुझे ये दिक्कत आ रही है कि जो मैंने MI पेड कर दी उस पर चार्ज क्यों लगा रहे हैं। मैंने 12 रुपये लिए थे, 12 रुपये पर चार्ज, 37 + 22 कितने, 59 रुपये हो चुके हैं। तो 12 रुपये लिए थे, 12 × 2 = 24, 36 × 74 = 65, मतलब 5 गुना हो चुके हैं। मतलब हमने जो 12 रुपये लिए थे उनको 5 गुना ज़्यादा कर दिया है, और हमने जो पैसे लिए थे उसको पैड भी कर दिया है कि जो हमने आपसे पैसे लिए थे ये पैसे आप हमारे वापस ले लीजिए, हमने पैसे भी दे दिए और इतना चार्ज भी कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर आपने 10,000 रुपये लिए हैं, ठीक है, 10,000 रुपये आपने लिए हैं, उनके 10,000 आप वापस भी कर दोगे तो 10,000 के 50,000 बना देंगे। कितने बना देंगे, 10,000 के 50,000 बना देंगे। जो आपने कितना 37 + 22 रुपये चार्ज है, मैं आपको बगल में इसकी यहाँ बगल में दिखा दूँगा कितना चार्ज है, 37 + 22 इतना चार्ज है कि अगर आपने 10,000 रुपये लिए, 10,000 के कितने बना देंगे, 50,000 बना देंगे। हमने आपसे 10,000 लिए, हमने आपके 10,000 वापस भी कर दिए और 10,000 के आप 50,000 बना दोगे कि आप इतना पैसा दीजिए। इस तरीके से धनी लूट रही है, ठीक है। तो हम पे नहीं करेंगे क्योंकि धनी लूट रही है, हम पे पैसा नहीं भरेंगे धनी का क्योंकि धनी लूट रही है। जी। मैंने वो पेड भी कर दिए, ठीक है, उस पर चार्ज कितना है, 59 रुपये चार्ज है, 12 रुपये, तो मतलब कितना, 5 गुना कर दिया। मैंने आपसे अगर 10,000 रुपये लिए तो मैंने आपके 10,000 एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैंने आपके 10,000 एक मिनट आप रुकिए तो सही, मैं आपकी डिटेल देख लूँ, मैंने आपकी डिटेल निकाली, आपने अमाउंट तो निकाला है पर पे कब किया था, लास्ट पेमेंट अमाउंट याद है आपको, आपने कब लास्ट पे किया था, धनी को कब पेमेंट किया था लास्ट टाइम, लास्ट टाइम मैं देख के बताऊंगा। हाँ आप भी देख लीजिए, मैं भी देख लेती हूँ, आप लाइन पे रहिए, है ना। नहीं मैम अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा नेट नहीं चलता ना बात करते समय। हाँ तो ठीक है ना, आप करिए बात। नहीं बात करते समय नेट नहीं चलता ना मेरा, तो ठीक है आप चेक कर लीजिए, फिर आप मुझे कॉल बैक करिए। नहीं मैम अभी बताइए तो इसका क्या सलूशन है, आप कह रहे पैसे नहीं भर रहा, मैं कहाँ से पैसे भरूँ जी। मतलब अगर मैंने आपसे 1,000 मतलब 10,000 रुपये लिए, 10,000 के आप 50,000 बना दोगे, फिर कहोगे कि पैसे भरिए आप। तो सर 10,000 का आपको रूल नहीं पता है क्या, क्या रूल है, आपने ऐप ऑन लॉग इन किया था, ऐप में ID बनाई थी, तो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी क्या। तो जो लेट पेमेंट चार्ज लगा रहे ना, जो मैंने पेड कर दिया सर, मैं भी तो वही देखना चाह रही हूँ कि आप बताइए ना आपने कब, आपका चार्ज 600 कुछ रुपए लेट फीस लगी, आपका अमाउंट देखिए 26,700 कुछ रुपए है ना। वो ठीक है, पहली बात आपने अमाउंट आपने निकाला तो है बट आपने पे क्यों नहीं किया, आपको जब पता है कि 3 किश्तों में आप अगर जो 10 रुपए भी निकाल रहे तो फिर 3 किश्तों में देना है, आपको ये रूल तो पता ही होगा ना, पता है ना। फिर आपने पैसे तो निकाले हैं बट टाइम टू टाइम किश्तें नहीं भरी हैं, तो सर उसके भी तो चार्जेस लगते हैं। तो मैम चलो ठीक है, जो मैंने पैसे ले लिए, मैं पेड नहीं करूंगा तो चार्ज तो लगेगा, मुझे भी मालूम है। तो जो मैंने पेड कर दी उस पे चार्ज लगा रहे हो, तो मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि जो मैंने पेड कर दी उस पे चार्ज क्यों लगा रहे हो आप।
सर आप बताइए ना, आपने जो अमाउंट पे किया उस पे कहाँ चार्ज लगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके। मैंने अभी एक वीडियो बनाकर भेजी है, मतलब अभी भी मुझे धनी से ही, मतलब मेरे 30 किलोमीटर दूर जिला से, तो मैंने उनको वीडियो भेजी है अभी के, देख लीजिए धनी वाले किस तरीके से हमें लूट रहे हैं। तो सर मतलब धनी वाले आपको लूट रहे हैं? तो मैम एक बात बता दीजिए मुझे, अगर मैंने 1000 रुपए लिए, 1000 के 50,000 बना दोगे, बता दो मैं। तो सर आप प्रूफ दीजिए ना, आप बोल रहे हैं कि आपने जो पे किया है उस पे टैग, मतलब उस पे भी प्लेट चेंज लग रही है। हाँ तो मैम आपके लिए मैं आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है मैम? हाँ जी दीजिए, मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि अगर मैंने 10,000 रुपए आज से 10,000 रुपए लिए और मैंने आपके वापस भी कर दिए कि मैंने आपसे 10,000 लिए थे, आप 10,000 वापस ले लो, ठीक है? पर ऐसा थोड़ी है कि 10,000 के मैंने वापस भी कर दिए और आप उस पे फिर कहो कि 50,000 और भरिए। सर आप मेरी भी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। आपने फर्स्ट टाइमिंग 9 रुपए निकाले थे, करेक्ट? हाँ, रिचार्ज के लिए। सर आपने जब 9 रुपए निकाले थे तो आपने 9 रुपयों की किस्त भर दी, ठीक है ना? आपने किस्त टाइम टू टाइम भरी ना, ड्यू तो नहीं हुई ना आपकी किस्त? नहीं हुई। तो फिर सर आपने जब 9 रुपए निकाला, फिर आपने फिर कितने रुपए निकाले आपने? यही इसी के ऊपर होगा 12 रुपए, या इसके अगले ऊपर होगा 2 या 3 किस्तें जो छोटी छोटी हैं, 3 हैं, 12 हैं, 48 है, इन्हीं पर चार्ज लगा हुआ है। नहीं वही तो बात है ना, जो मैंने 12 रुपए लिए, 12 रुपए पे 59 रुपए चार्ज, 5 गुना हो रहा है। तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ ना, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। सर मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप छोटे छोटे अमाउंट निकाल रहे थे, उसमें से भी आपको लग रहा था कि अमाउंट बढ़ता जा रहा, तो सर फिर आपने इतना बड़ा अमाउंट क्यों निकाल लिया? तो पहले नहीं लिया ना, वही तो बात है ना, निकाल रहे हैं बट पे नहीं कर रहे। 2 मंथ से आपकी मैंने देखा, 2 मंथ की डिटेल आपने उसमें बड़े अमाउंट नहीं निकाले, छोटे छोटे अमाउंट ही निकाले, पर उसने पेमेंट नहीं किया। हाँ आपका कहने का मतलब है मैम कि जब मैंने छोटे छोटे अमाउंट निकाली थे, जब आप पे इतना चार्ज लग रहा था, तो मैंने पैसे क्यों लिए? तो आप सुनिए, जब मैंने 9 रुपए, 12 रुपए, 48 रुपए लिए थे, तब ये चार्ज नहीं लगाए थे। चार्ज तो आप लगा रहे हैं ना, चार्ज क्यों लगा रहे हैं? तो चार्ज अब लगा रहे हैं, अब इतना चार्ज लगा रहे हैं। तो पेड कर दिए तो क्यों चार्ज लगा रहे हो? एक मिनट, इसीलिए तो कह रहे हैं नहीं भरेंगे हम, जब आप इस तरीके से चार्ज लगाओगे तो नहीं भरेंगे। ठीक है सर, आप मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं, बट मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो लगा है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ ना, मैं वही तो बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैम, कि मैंने 10,000 रुपए लिए, मैंने आपके वापस भी कर दिए 10,000 की 50,000, फिर आ जाओगे मांगने के, आप मुझे पैसे दीजिए। तो ठीक है ना सर, आपने पे किया, आप मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए कि आप हाईलाइट करिए कि मैम मैंने ये पे किया था, आप देखिए इसमें भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने तो जहाँ तक आपकी पूरी डिटेल नहीं देखी, हाफ डिटेल देखी, तो उसमें मुझे लगा कि आपने निकाले तो है पर पेमेंट नहीं किया है। किस नंबर पे? आप इसी नंबर पर भेजिए, इसी नंबर पे। आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको इतना डराएंगे, पैसे काटने की धमकी, आपके बैंक में से हम पैसे काट लेंगे, इतनी धमकी देंगे आपको, डरना नहीं है। कानूनी कार्रवाई भी होगी मेरे से, अगर पेमेंट नहीं रहेगा आपके बैंक में तो डायरेक्ट ही होगा, यहाँ पे ट्रांसफर करवा लेंगे पैसा, और अकाउंट से पैसे भी काट लोगे, भी एक्टिवेट होगा, और मैं बिल्कुल होगा। और अगर आपके बैंक में पैसा नहीं रहेगा, बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो मान चार्जेस लगने वाला आपको, ठीक है ना? क्योंकि ऑलरेडी आपको टाइम दिया गया था, खत्म हो चुका था, मनी की पॉलिसी की बात आई है यहाँ पे, एक मसला लेके यहाँ पे आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं करवाया, बिल्कुल करेंगे, आपके परमिशन की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि आपका एक कुछ नहीं कर सकते, आपको ये धमकी देंगे, हम आपका सिविल स्कोर खराब कर देंगे, हम आपके घर एजेंट भेजेंगे, हम आपके खिलाफ़ FIR करेंगे। जब आप FIR करोगे, आप हमारे घर पुलिस भेजोगे, उसके अलावा क्या कहेंगे? हम आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे। काट लो ना, क्यों?
क्यों भेज रहे हो, हमारे पुलिस भेज रहे हो, क्यों हमारे खिलाफ FIR कर रहे हो, क्यों हमारे घर एजेंट भेज रहे हो, काट लो ना। अभी यही चल रहा है, सबके यहाँ कॉल आ रहा है, हम आपके ACS चालू कर देंगे, हम आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे काट देंगे जो आपको पे करने। तो आप हमारे घर पुलिस क्यों भेज रहे हो, आप हमारे खिलाफ FIR क्यों कर रहे हो, आप हमारे घर एजेंट क्यों भेज रहे हो, हमारे अकाउंट से पैसे काट लो। तो आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, आपको धमकाएंगे, डराएंगे, ठीक है, आपको धमकी देंगे, हम आपका सिविल स्कोर खराब कर देंगे, हम आपके घर एजेंट भेजेंगे, हम आपके खिलाफ FIR कर देंगे, ठीक है। इनकी औकात यहीं तक है, आपके फ़ोन पर ही धमका सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और एक कुछ नहीं कर सकते, आपका सिविल स्कोर खराब कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं कर सकते, आपको धमकाएंगे, नहीं कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपसे जो बनता है वो कर लीजिए, आप कह दीजिए आपसे जो बनता है वो कर लीजिए, इस तरीके से आप लूटोगे और हम कि आप जो कुछ भी कहो हम वो करते जाएं, ठीक है। एक रुपये नहीं देना है इन धनी वालों का, क्योंकि धनी सिर्फ और सिर्फ लूट रही है। मैं आपको बगल में फिर दिखा रहा हूँ, 12 रुपये पर कितना चार्ज लिया ये देख लो, 12 रुपये पर कितना चार्ज है, 59 रुपये चार्ज है, ठीक है, और मैंने पेंट भी कर दी है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बस हमें फ़ोन पर धमकी देंगे, ठीक है, इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।